73वें गणतंत्र दिवस पर हाथी प्रभावित पीड़िता के घर पहुंचे भाजपा मंडल अध्यक्ष। जी हां, सिमडेगा जिले के कोलेबीरा प्रखंड के अंतर्गत शाहपुर पंचायत के कराटोंगरी गांव में बीते 24 जनवरी को हाथी के द्वारा गुलशन टोपो के घर को ध्वस्त किया गया था। साथ ही उनके घर का राशन भी बर्बाद कर दिया गया था। इसकी सूचना भाजपा कोलेबीरा मंडल को दी गई थी। वही सूचना मिलते ही उप पंचायत प्रभारी मुनेश्वर तिर्की की अगुवाई में भाजपा कोलेबीरा मंडल अध्यक्ष अशोक किंदवार कोलेबीरा भाजपा परिवार के द्वारा पीड़िता के घर पहुंचकर कुशल क्षेम जाना गया। तत्पश्चात पीड़ित परिवार को सहयोग हेतु सूखा राशन दिया गया। साथ ही उन्हें आश्वासन भी मिला कि आगे भी हर संभव प्रयास किया जाएगा। वही गुलशन टोपो की मां ने बताया कि उस दिन करीब 4 से 5 बजे रात को हाथी के द्वारा घर तोड़ने के साथ साथ घर में पड़े करीब 5 क्विंटल राशन को बर्बाद किया गया, जिससे घर वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा परिवार कृषि आश्रित, बिना कृषि के जीवन यापन नहीं हो सकता। वन विभाग की टीम के द्वारा उनके घर पहुंचकर उन्हें आश्वासन दिया गया, उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी स्थानीय मुखिया के द्वारा किसी तरह का हालचाल नहीं पूछा गया। न ही पीड़ित परिवार के घर मुखिया का आगमन हुआ और न ही राहत हेतु किसी प्रकार का सरकार लाभ मिला। परिवार आस में बैठा हुआ है कि कब उन्हें क्षतिपूर्ति मिलेगी, कब उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। मौके पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा महामंत्री सहसापुर पंचायत प्रभारी मुनेश्वर तिर्की दीपक चिक बड़ाइक मंडल आदि लोग उपस्थित रहे। रास्ता पूरा कीचड़ से लथपथ सने हुई मिली हमें, तो आप लोग कितने साल से इस रास्ता में परेशान हैं? उतना तो नहीं जान रहे हैं कि कितना साल है। फिर हम लोग सोचते हैं कि बहुत साल से ही हम लोग सोचते आ रहे हैं कि कितना दिन तक यहाँ पर सुविधा होता तो हम लोग को आने जाने के लिए अच्छा लगता। मुखिया कभी इस रास्ते आपके गांव पे आए हैं? हाँ, आए हैं। और उन्होंने कभी आश्वासन दिया कि रास्ता बनेगा या नहीं बनेगा इसके बारे में? बनेगा कह के तो बोले हैं। आप लोगों के द्वारा बोला गया है मुखिया जी को रास्ता बनाने को लेकर? आप लोग बोले हैं, फिर अभी तक बहुत बार बोले हैं हम लोग कि रास्ता बना दीजिए, स्टूडेंट लोग का भी दिक्कत होता है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बिजली भी नहीं है। बिजली तो बोले थे कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा है तो भेज दीजिए बोल के, लेकिन उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अच्छा, विधायक जी को आपने इस परेशानी से अवगत कराया था? नहीं नहीं कराया है, मुखिया को बोले थे। मुखिया को ही बोला गया है, बाकी और किन्हीं को नहीं बोला गया है? किन्हीं को आवेदन नहीं दिया गया है इस परेशानी को लेके? बीडीओ साहब को या फिर विधायक जी को, किन्हीं को मतलब आवेदन नहीं दिया गया है परेशानी को लेके? जनता दरबार में दिया गया, जनता दरबार में दिया गया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कितना पहले आप लोगों ने दिया था? 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर इसी 2020 में, 2021 में, सॉरी 2021 में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। टूटला तो इकर में देख रेख लगिन कोई आई रहे हैं रोड थी भेट घाट कर, लेकिन कोई कोई मनाए रहे हैं? नहीं, कोई नहीं आए हैं। वन विभाग से कोई आए रहे हैं? वन विभाग वाला मनाए रहे हैं। और कोई जनप्रतिनिधि मुखिया वार्ड के भेंट मुलाकात करे आए रहे रोड से? कोई नहीं आए हैं। कोई नहीं आए हैं। कांग्रेस पार्टी जे विधायक है यहाँ कोलेबीरा कर, होने से भी कोई टीम नहीं आए रहे रोड थी? एखन तो भाजपा वाला मना है। और इकर अलावे और कोई टीम आए रहे रोड से भेंट करे? नहीं। और कितना कर यहाँ धान उन रखल रहे, जैसे हमें के मालूम चल रहा कि धान रखल रहे, कितना लगभग कर धान रहे? ठीक, एक नहीं भूल लो, 5 क्विंटल। 5 क्विंटल लगभग रहे, क्षति हो गया। और ये हमें देखा थी यहाँ पीछे में घर भी टूट जाए, लेकिन रोड से ना मुखिया भेंट करे का है, ना वार्ड, ना जनप्रतिनिधि कोई भेंट करे नहीं आ है। एखन जे खाली भाजपा टीम है वह बस, और कहीं से कोई सुविधा कोई लाभ नहीं भेटा है? वन विभाग कर्मी आए रहे, मन का कहले है? ऊ तो का कहो कि बनवा दिन को रह है, बनवा पे के चल गेला है, के उतूर थे गेले मन, और इधर नहीं भेटा है उन्हें। सरकार जनप्रतिनिधि हमारा है कोलेबीरा पर, कोलेबीरा में होने से कोई देख रेख करक नहीं आ रहे हैं? आप जानने का कोशिश नहीं किए कि कहे नहीं आ रहा है? हम परेशानी में थे, बीमार थे। अच्छा, जिस कारण से नहीं मिला है, और परेशानी से आप किसी को अवगत भी नहीं कराए हैं? हाँ। और गांव का समस्या बताइए, क्या क्या समस्या है यहाँ पर? गांव का समस्या बहुत कठिन है, बिजली की कमी है, या आने जाने के लिए सड़क भी नहीं है यहाँ पर। पानी है यहाँ पे, पानी का सुविधा है? पानी का सुविधा असुविधा है।
असुविधा है नहीं असुविधा? असुविधा है पानी का, पानी का सुविधा सुविधा है पानी का, जल मीनार लगा हुआ है, टंकी वगैरह सब लगा हुआ है, जल मीनार लगा हुआ है, लगा हुआ है, चापाकल वगैरह है यहाँ, लेकिन यहाँ दूर है, यही दूर बस्ती में नहीं है, ये बस्ती में नहीं है, आगे तो है। मतलब मेन समस्या देखा जाए तो यहाँ सड़क का है और बिजली का है, अखंड भारत न्यूज के लिए धनुर्जय सिंह की रिपोर्ट, सिमडेगा, झारखंड।